नहीं यार, यहाँ पर कोई है भी नहीं, सो अभी रास्ता देख सकते हो भाई। हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज है संडे, संडे के लिए अपने पास कुछ काम होता नहीं है, जस्ट सबसे पहले अभी बाइक की चेंज यू करेंगे, देन उसके बाद निकलेंगे थोड़ा बहुत आसपास की चीजों को एक्सप्लोर करने। आसपास क्या क्या चीजें आती है वो मैं आपको बताऊंगा पूरी डिटेल में। आज काफी टाइम है अपने पास, तो अभी टाइम हो गया 12 o'clock, तो 12 बजे निकल रहा हूँ मैं। और इतनी गर्मी नहीं है, बारिश का मौसम है, अच्छे खासी बारिश आ रही है 2-3 दिनों से पिछले। अभी देखते हैं कि वेदर कंडीशन क्या होती है, आई डोंट नो। चलो अभी हेलमेट वगैरह रेडी करते और निकलते सीधा बाइक। तो चलो आपको दिखाता हूँ कि मेरे आसपास क्या क्या चीजें हैं देखने लायक, और आप भी जा सकते हो, आप भी विजिट कर सकते हो, बाइक से भी कार से भी। वो सारे स्पोर्ट्स मैं आपको दिखाने वाला हूँ और काफ़ी अच्छे ड्रोन शॉट्स भी लूँगा यार। मौसम खुला खुला है, बारिश के कोई चांसेस नहीं दिख रहे अभी तक तो। एंड आपको बता दूँ, मैं जा रहा हूँ दिल्ली रोड की तरफ, दिल्ली रोड से मैं आगे जा करके थोड़ा बहुत इधर उधर जाऊँगा। एंड सबसे पहले नियर बाय अचरोल फोर्ट है, अचरोल फोर्ट को एक्सप्लोर करने चलते हैं भाई। तो यहाँ पर गलियों गलियों से होकर के रास्ता जाता है, एंड आई डोंट नो कि वहाँ पर बाइक पर जाया जा सकता है या नहीं, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। अभी तो रास्ते का भी मुझे नहीं पता है कि कहाँ से जाना है, बट खादी भंडार वाली गली है कुछ तो, मैप पर आपको मिल जाएगा। अचरोल फोर्ट या अचरोल गढ़ आप डालोगे तो। ये अचरोल फोर्ट जाने के लिए कौन सा रास्ता है, सीधा चले जाए? ओके, तो देखो बिल्कुल स्ट्रेट स्ट्रेट जाना है मुझे। सो दिस इज़ द एंट्रेंस गेट ऑफ अचरोल फोर्ट। अभी पता नहीं भाई रास्ता जाता है या नहीं जाता आगे। भाई देखो इतनी पुरानी गलियों में तो मैं भी फर्स्ट टाइम आया हूँ, यहाँ पर इतने पुराने पुराने घर आपको देखने को मिलेंगे। अभी पता नहीं कहाँ तक चलना है सीधा, और ये क्या है आई डोंट नो भाई, क्या वीराना है यार ये तो। अभी पता नहीं आगे रास्ता है या नहीं है, ऊपर काफ़ी सारे लोग भी है, आई कैन सी द पीपल। चलो ट्राई मार लेते एक बार, जहाँ तक जाएगी वहाँ तक लेके जाते हैं। सो देखो अचरोल फोर्ट का ये रास्ता है, यहाँ पर काफी लोगों की बाइक पार्कड है, अपने भी बाइक अपन ने यहीं पार्क कर दी है, 3-4 बाइक और पार्कड है। और यहाँ से ऊपर जाना है पैदल, बाय वॉक जाना पड़ेगा, अभी मुझे नहीं पता कि ऊपर कितना जाना है। और यहाँ से यू कैन हियर द साउंड ऑफ वाटर, यहाँ पर एक छोटा सा झरना आ रहा है भाई, मतलब इतनी बारिश हुई नहीं है बट झरना आ रहा है, पता नहीं कहाँ से आ रहा होगा, बट चलो ऊपर देखते हैं अभी कितना ऊपर अपन को चलना है, उसी के बाद पता चलेगा कि अचरोल फोर्ट से ऊपर का व्यू कैसा दिखता है और कैसा है अचरोल फोर्ट। तो चलिए मिलते हैं पहुंचने के बाद। रास्ता आप देख सकते हो कुछ ऐसा स्टीप है बिल्कुल, आसपास पूरा पहाड़ी से कवर्ड है और मौसम काफी अच्छा है, धूप नहीं आ रही है, वरना धूप आती तो हालत खराब हो जाती अपनी। तो देखो अभी हाफ ऑफ द वे में ही मुझे एक पॉन्ड मिला है, जहाँ पर यहाँ ही के लोकल लोग हैं जो अपने नहा रहे, मतलब एक पानी भर जाता है बारिश से यहाँ पर, और जो भरने के बाद फिर एक झरने की तरह नीचे बहता है। तो आप देख सकते हो स्टीम पूरा बना हुआ है यहाँ पर, तो लोग नहा रहे, और उसके ऊपर अभी जाना है अपन को उधर जहाँ पर है अचरोल फोर्ट। यहाँ पर एक मंदिर भी है और अमेजिंग, मतलब बहुत अच्छा वेदर कंडीशन काफ़ी अच्छी है, और बारिश होने से ये पत्थर भी आपको गिरते हुए दिखेंगे, काफ़ी सारे पत्थर नीचे आ रहे हैं। एंड अभी रास्ता है ना काफी स्टीप होता जा रहा है, लेकिन अब प्रॉपर वे नहीं है बना हुआ, पत्थर से ही आपको जाना पड़ेगा, पत्थरों पर पैर रखते ही, बट आपके शूज स्लिपरी नहीं होने चाहिए, अगर स्लिपरी हुए और बारिश हो गई तो आपके गिरने के चांसेस है। तो चलो आगे देखते हैं रास्ता कैसा होता है। जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं ना, रास्ता वैसे वैसे खत्म होता जा रहा है, और पता नहीं धूप भी आ गई है। एंड भाई रास्ता बहुत, ये वाला रास्ता आप देखो बहुत खतरनाक था। सो अभी रास्ता देख सकते हो भाई कुछ इस तरह से हो गया है, एंड ऑल ऑफ सडन धूप आ चुकी है बहुत तेज, हालत ख़राब हो रही है गर्मी में, और आई फॉरगॉट टू कैरी वाटर, बॉडी हेल्थ काफ़ी ख़राब है, स्टेमिना बहुत कम है, यू कैन सी इतने से दूर में हालत ख़राब हो गई, दिस इज़ रियली बैड टू मी। चलो अभी देखते कितना और ऊपर है। आई हैव जस्ट रीच्ड, फट चुकी है ऐसी ट्रैकिंग करने के बाद, तो बहुत खतरनाक थी, तो भाई बहुत इम्पॉसिबल है, नेक्स्ट इम्पॉसिबल है यहाँ पर चढ़ना, ट्रैक करना, और भाई धूप में तो हालत ख़राब हो जाती है, जो कि मेरी हो चुकी है। ये नतीजा है एक्सरसाइज नहीं करने का, जो कि मुझे भुगतना पड़ रहा है अभी इस हालत में। देन ट्रैकिंग, ट्रैकिंग करना इज़ रियली हार्ड, मतलब इतनी सी हाइट में मेरी फटके 4 हो चुकी है भाई। आई रियली फॉरगॉट टू कीप वाटर विद मी, बिकॉज मुझे नहीं लगा था कि इतना ऊपर है, फर्स्ट टाइम मेरा एक्सपीरियंस ये है। तो भाई आप कभी भी पानी लेकर के आना, वरना आपकी बैंड बच जाएगी। अभी देखते हैं भाई, एक्सप्लोर करते कैसा है अचरोल फोर्ट। अभी थोड़ा रेस्ट करूँगा 5-10 मिनट, उसके बाद ही अंदर जाऊँगा भाई, हिम्मत नहीं अभी जाने की। गाइज व्हाट इज दिस प्लेस यार, जितना सोचा था ये तो उससे भी ज़्यादा खंडर है।
ये देखो अभी जो लोअर एरिया है उसके बाद ये है किला, तो ऊपर चलते हैं देखते हैं। एंड दिस इज अ वे ऑफ द फोर्ट, यहाँ से आपको जाना है अंदर। हवा काफी अच्छी चल रही है एंड देयर इज एन टेम्पल ऑल्सो, यहाँ लिखा है प्रवेश वर्जित है, बट पता नहीं अंदर जाते हैं नहीं जाते लोग। नहीं यार इट्स नॉट ए गुड आइडिया, सब यहाँ पर कोई है भी नहीं बताने वाला और मैं अंदर नहीं जा सकता भाई, फटी पड़ी है मेरी तो। अगर मेरे साथ कोई होता तो आई कैन गो इनसाइड, नोबडी केयरिंग अबाउट दिस फोर्ट। ये फोर्ट बिल्कुल खंडर पड़ा है, दीवार वगैरह सब कुछ यहाँ पर टूट चुकी है और किसी को कोई परवाह नहीं है। अंदर क्या है आई डोंट वॉन्ट टू नो, मुझे जानना भी नहीं है, अकेले रह करके तो बिल्कुल नहीं जानना भाई। अभी मैं चलता हूँ एक डूम में आगे, वहाँ पर से कुछ मोमेंट्स कैप्चर कर लेता हूँ और अंदर क्या है वो मैं देखूंगा अपने ड्रोन से। भाई अकेले जा करके तो मैं नहीं जाने वाला हूँ क्योंकि इतनी हिम्मत नहीं है मुझमें कि आई कैन गो अलोन। दिस इज अचरोल फोर्ट जो जयपुर सिटी के अचरोल विलेज में सिचुएटेड है। ये राजस्थान का एक ऐतिहासिक किला है एंड इस ऐतिहासिक किले का निर्माण 16वीं सदी के दौरान हुआ था। इस किले का निर्माण राजा करण सिंह द्वारा किया गया था जो एक स्थानीय राजपूत शासक थे। अचरोल किले की वास्तुकला में राजपूत शैली की विशेषताएं देखी जा सकती है। किला मजबूत पत्थर की दीवारों और ऊंची मीनारों से घिरा हुआ है। किले की संरचना में एक मुख्य प्रवेश द्वार, विभिन्न सैन्य और आवासीय भवन और किले के चारों ओर गहरी काइयां शामिल है। किले की डिजाइन इस प्रकार की गई थी कि कोई भी बाहरी आक्रमण हो तो उससे उसका बचाव हो सके। किला अपने समय में एक सामरिक किला था जिसका यूज एरिया कंट्रोल और सुरक्षा के लिए किया जाता था। अचरोल फोर्ट राजनीतिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण था, जयपुर के जितने भी आसपास के क्षेत्र थे उसकी रक्षा करने में यह बहुत सहायक था। अचरोल फोर्ट हमेशा से ही एक ऐतिहासिक स्थल के रूप में जाना जाता है और इसको देखने के लिए काफी टूरिस्ट आते हैं। एंड आज के टाइम पर अचरोल फोर्ट की कंडीशन बहुत खराब है, पूरा खंडर है, ना कोई रास्ता है आने जाने का, तो आप भी जाना चाहते हो तो थोड़ा संभल कर जाओ, यही इसके बारे में पूरी हिस्ट्री है। तो मैं एंटर होने गया था बट मुझे लगा कि कोई होगा नहीं अंदर, तो इसके लिए मैं वापस से आ गया। मुझे लगा कोई नहीं होगा फोर्ट पर, जरा पीछे की साइड आया तो कुछ लोग दिखे मुझे, 10-12 लोग थे ऊपर, बट रास्ता बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि आपको लगेगा नहीं कि अंदर कुछ है या नहीं है, कोई नहीं मिलेगा आने जाने के लिए। दीवारें टूटी पड़ी है, बहुत बुरी हालत है फोर्ट की, और यहाँ पर यहाँ के रास्ते की हालत तो उससे भी ख़राब है भाई। मतलब चढ़ने में आपकी बैंड बज जाएगी और उतरने में अभी देखते भाई कैसा रहता है, कितना टाइम लगता है। चढ़ने में 40 मिनट लगे, 30 से 40 मिनट, और व्यू काफ़ी अच्छा है, मतलब वर्थ इट है अगर आप अच्छे मौसम में आए। अभी तो अनफॉर्चुनेटली धूप आ चुकी है, धूप आने के चक्कर में भाई पसीना पसीना हो चुका हूँ, पानी नहीं लाया, सबसे बड़ी गलती मेरी यही हो गई। अभी चलते थोड़ा अभी नीचे चलते, बाकी हिस्ट्री वगैरह आपने जान ली होगी वीडियो में, आपने सिनेमैटिक इन्जॉय किया होगा आई होप सो। तो चलो अभी निकलते हैं, आपको रास्ता भी दिखाता हूँ। तो देखो जितना भी फोर्ट, ये पूरा फोर्ट की वॉल है, इसके राइट साइड में जितने भी वॉच टावर वगैरह रूम्स वगैरह बने हुए हैं, बट उससे पहले यहाँ के रास्ते देखो आप, मतलब नोबडी केयर अबाउट इट, सब कुछ खंडर पड़ा है, सब कुछ टूटा पड़ा है, कोई देखने वाला नहीं है, कोई संभालने वाला नहीं है, कोई गार्ड नहीं है बताने वाला कि अंदर रास्ता है जाना है नहीं जाना है, किसी को मतलब नहीं है। तो मैं अकेला आया था तो मेरी फटी भाई अंदर जाने में, पता नहीं कैसा क्या होगा। उतरने का रास्ता कुछ इस तरह से है, बाकी सभी लोग उतर रहे साथ में। एंड फाइनली नीचे पहुंच चुका हूं मैं, और यहां पहुंचने के बाद भाई इतना सुकून मिल रहा है ना, इतनी खुशी हो रही है, आपको क्या बताऊं मैं, हालत ख़राब हो गई भाई। इतना ऊपर चढ़ने में आपको रास्ता लगता होगा कि बहुत इजी है चढ़ना, और ये कुछ तो एक हवेली सी बनी हुई है जो कि मुझे नहीं पता है क्या है। बाइक पर बैठने के बाद जो सुकून मिल रहा है ना भाई, आई कांट एक्सप्लेन इन द वर्ड्स। हालत तो टाइट हुई बट अच्छा खासा एक्सपीरियंस मिला और डर भी लगा। एंड यहाँ पर बहुत सारे मंकीज है, और ये कुछ तो हवेली है, पता नहीं अचरोल पैलेस है या क्या है, ये हवेली क्या है, हाँ महल है, कोई रहता है इसमें? अच्छा चलो जी, जो महल है यहाँ पर अचरोल पैलेस, अचरोल हवेली, वहाँ पर रॉयल फैमिली रहती है अभी भी। रॉयल फैमिली के पास इतना पैसा नहीं है अचरोल रॉयल फैमिली के पास कि वो अचरोल फोर्ट को मेंटेन कर सके,
बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए भाई अचरोल फोर्ट को मेंटेन करने के लिए, बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन का कोई सहारा नहीं है, ऊपर तक गाड़ी नहीं जाती है, वॉक करने का भी रास्ता प्रॉपर नहीं बना हुआ है भाई, फट के हाथ में आ जाती है। मुझे नहीं लगता कि अचरोल फैमिली वाले ही, जो रॉयल फैमिली वाले हैं, वो खुद ही जाते होंगे, वो खुद भी नहीं जाते होंगे भाई। एंड अभी मुझे खुद को भी नहीं पता कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, बट आई विल फाइंड समथिंग इंटरेस्टिंग, समथिंग गुड, तो उसी की तलाश में मैं निकला हूँ। दिस इज़ मोटर स्पोर्ट पार्क, जो कि काफ़ी पॉपुलर है यहाँ पर। राइड में जाकर के आप यू कैन डू ऑफ रोडिंग एंड वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू यू कैन डू। एंड एक और यहाँ पर प्रॉपर्टी नेम कोल्ड टीला, सर्कल टाइप के कुछ डॉम्स बने हुए जो कि काफ़ी अच्छे लगते हैं। दिस इज़ ड्यून्स लैंड, जहाँ पर कैंप्स बने हुए छोटे छोटे पोर्टेबल टेंट्स है यार, ये भी गजब का एक्सपीरियंस होगा। और ये टीला को जा रहा है रास्ता, और ये ऊपर जा रहा है ऑफ रोडिंग वाला रोड, तो लेट्स ट्राई मारते इधर। ट्रैक्शन बंद करना पड़ेगा भाई इसका, काफ़ी लूज सैंड है भाई, अच्छा खासा ट्रैक्शन चाहिए ऊपर चढ़ने के लिए। फर्स्ट ट्राई वॉज चेकिंग की कैसा है, ओ नाइस। वो क्या होता है ना, पहले अटेम्प्ट में आपको चेक करना होता है कैसा है, क्योंकि मैंने ट्रैक्शन वगैरह सब कुछ ऑफ करके रखा था। हाईवे रोड यो वैसे इंडिया ही जा चुके हो, और ऊपर कटे कटे से जावे ऊपर, तो यहाँ में ही जा गया कहीं बात है देखो होटल। अच्छा इनकी जगह ही है, इनकी है ये प्रॉपर्टी, कोई नहीं जाता उधर, यो कट्टो आगो आगा बाबा जाने जाते के जा बांध। अच्छा एंड अभी यहाँ पर पहुँच चुका हूँ ऐसी लोकेशन पर, पीछे लैंड है मतलब सैंड ड्यून्स है, बट वो किसी ने किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी है। एंड वापस से ऑन रोड आ चुका हूँ मैं, टाइम हो गया 3:30 भाई, आज का तो अच्छा खासा वर्कआउट हो चुका है, हिम्मत पूरी डाउन हो चुकी है, एनर्जी बिल्कुल भी नहीं बची है, अभी सिर्फ पानी के ऊपर चल रहा हूँ अभी मैं। सो गाइस आज की राइड और आज की ट्रैकिंग करने में काफ़ी मज़ा आया, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा भी ट्रैकिंग करने में, फर्स्ट टाइम ऐसी ट्रैकिंग मैंने करी है। उसी के साथ जो खंडर अपन ने जो फोर्ट देखा है ना भाई, वो बहुत मुश्किल होता है देखना या दिखाना, आपको भी देख करके काफ़ी अच्छा लगा होगा, और ऐसे ही एक्सपीरियंस अभी अपन करते रहेंगे। नियर बाय जो जो चीज़ें वो सारी मैं कवर करूँगा आने वाले इन वीडियोज़ में। क्या होता है ना कि अभी थोड़ी बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैं भी भूल जाता हूँ करना व्लॉग में या रिकॉर्ड करना, काफ़ी कुछ होता है जो कि दिमाग से स्लिप हो जाता है, बट आगे से वही चीज़ें इम्प्रूव होती रहेगी। तो इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब करें भी ना मत जाना, हिट द लाइक बटन एंड कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, सो बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज़, ख्याल रखिए अपना, सी यू नेक्स्ट टाइम।